यहाँ पे सब नाजायज तरीके से सर्वे होना और दादागिरी करना, यहाँ के लोगों को खुद ये बिल्डर इस तरीके से है कि एक लुटेरे के हिसाब से है, यहाँ पे लोगों को लूटने आया स्कीम लेके, किसी को घर देने वाला नहीं है। और ये एसआरए में होता ये है कि कभी भी एसआरए का पहले बनाया जाता है, एसआरए में दिया जाता है, पर इसने आज तक एसआरए में किसी को दिया नहीं है और ना बनाया है। इसके कई भी और भी कहीं पेंडिंग पड़े हुए हैं, पर यहाँ पे कुछ जैसे कि वो खुद दलाल है, रूपा रेल के नाम पे एक दलाल का काम वो कर रहा है और यहाँ के बहुत सारे दलालों को मैनेज भी कर रखा है। आप लोगों की मांगे ही है नहीं, क्योंकि ये बिल्डर सिर्फ लोगों को बर्बाद करने के लिए है। आज इतनी आक्रोश जो जनता दिख रही है, इनका एक ही है कि यहाँ सर्वे नहीं हुआ जाए। और LY आ चुका है, LY आया तो सर्वे किस बात का, सर्वे इसी के लिए हम लोग ये जनता आक्रोश में 26 मई को भी इसी तरीके से धांधलीगिरी हुई थी और ये शासन प्रशासन को मैनेज करके ये लोगों ने जबरदस्ती सर्वे कराया था, उसमें बहुत से लोगों को चोटों भी लगी थी और बहुत से लोग गंभीरता से इतने सहम गए थे और एकाध जन की मौत भी हुई है दुर्गा मंदिर के पास। यहाँ के नेता आज यहाँ पे 25 साल से कांग्रेस थी, हम लोगों के प्रयास से यहाँ पे BJP आई, हम लोग सोचे कि परिवर्तन BJP करेगी, पर BJP भी यहाँ परिवर्तन नहीं कर रही है। और यहाँ के दलाल लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ टके पे बिकते हैं, उनके इमेज, उनके रिकॉर्ड, उनके हर एक चीज खराब है, उसके बावजूद भी ये दावा करते हैं कि हम विकास है। अरे तुम क्या हो, तुम सिस्टम हो, तुम क्या लोगों को दोगे, तुम तो खुद उजड़े हुए हो, दूसरों का क्या बसाओगे। और जो ये स्कीम लेके आया है वो एक गुंडा है और ये कभी किसी का विकास करके नहीं देगा। हम लोग चाहते हैं कि भाई ऐसे बिल्डर को हमें नहीं देना है, ऐसे बिल्डर के साथ हमें नहीं जाना है, हम लोगों का एक ही नारा है, सर्वे नहीं होने देना है और ये जगह को बचाना है। जो है वो एक नंबर का है चोर, पहली बात तो। और साथ में जितने भी नेता लोग हैं, ये सब नेता मिले हुए, इनसे पूरे ही मिले हुए, पुलिस स्टेशन प्रशासन सब मिला हुआ है, यहाँ का सीनियर भी है, पूरा मिला हुआ है। कम से कम 500-700-800 हजार पब्लिक निकली है कम से कम। अरे माननीय अध्यक्ष जी के पास यहाँ के सारे लोग गए हुए थे, जनाब अबू आसिम आजमी साहब के पास, तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो बिल्डर लोग हैं धांधली से पैसे खिला के LY लेकर आए हैं, जिसके दम पर ये लोग यहाँ पे सर्वे करने आ जाए हैं, लेकिन यहाँ के जनता के लोग इस बिल्डर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, ना ही उसको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये BJP की धांधली है। हम SRA के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए, SRA होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबों के झोपड़े जबरन तोड़कर और अपने पावर का मिसयूज़ करके लोगों को परेशान करें। अगर यहाँ के 70% अगर जनता अगर इस बिल्डर के फेवर में आती है, वो हम लोगों को आप पेपर वर्क दिखाएं, तो हम लोग यहाँ से खुद ही हट जाएंगे। लेकिन सिर्फ 20-25% अगर आपने साइन ले लिया है और कुछ गुंडे टाइप के लड़के सेट कर लिए एरिया के, किसी को पैसा ऐसा दे दिया यहाँ के लोकल नेताओं को, उसके दम पे अगर ये लोग ज़बरदस्ती गरीबों को झोपड़ा हटाने की कोशिश करेंगे तो उसका हम लोग फुल विरोध करेंगे। और इंशाअल्लाह जो भी हो जाए लास्ट दम तक हम लोग इनके सपोर्ट में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और पुलिस प्रशासन से मेरी ये मैंने अभी मांगनी की हूँ कि जब तक के पब्लिक पूरी तरह संतुष्ट आपको नहीं दिखती है, पूरा पेपर वर्क क्लियर नहीं दिखता, आप पुलिस प्रोटेक्शन देना भी आपका गलत है। यही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि जब से रेरा कानून आया है ना, तो इनकी हालत खराब है, वरना बिल्डरों का काम ही ये था कि यहाँ से थोड़े से लोगों के सिग्नेचर ले लेते थे और वो किसी बड़े बिल्डर को बेच के, एक्चुअली ये बिल्डर नहीं होते, दलाल लोग होते हैं जो कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके थोड़ी साइन लेते हैं, उसका डबल ट्रिपल पैसा ये लोग वसूल करते हैं। ये लॉबी चल रही थी और अभी तक भी, और रेरा कानून अभी लागू हुआ है उसके तहत अगर बिल्डर प्रॉपर अगर चलेगा तो कभी भी पब्लिक को तकलीफ नहीं आई। अस्थानी निवासी हूँ और कांग्रेस का मुंबई का यूथ कांग्रेस का मुंबई महासचिव हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझको रिटर्न में लेटर दिया और बताया कि भाई यहाँ के लोग जो है ये इस बिल्डर को जानते नहीं है, ना पहचानते हैं, ना कभी इस बिल्डर से इन लोगों की मुलाकात हुई है, ना कभी देखा इन लोगों ने, और सहमति देना लेना तो दूर की बात है जब मुलाकात ही नहीं हुई। उसके बावजूद यहाँ के कुछ दलाल और बिल्डर मिलके पुलिस प्रशासन की मदद से यहाँ पर जबरन सर्वे किया जा रहा है। और एक तो एक यहाँ के कुछ सोसाइटी ऐसी है, 5 से 6 सोसाइटी, जैसे उत्तर भारती, गैलेक्सी, न्यू नम्रता
और दो सोसाइटी जिनका स्लम डिक्लेरेशन ही नहीं है, ना स्टेट की एनओसी है, ना किसी सोसाइटी के पद अधिकारी और ना ही सोसाइटी में रहने वाले कोई भी एक आम आदमी ने कोई सहमति दिया है, उसके बावजूद जबरन सर्वे हो रहा है। यह रही सोसाइटी की बात। दूसरी एक चीज, उस पट्टे का जो लैंड ओनर है, जो मैंने चार पांच सोसाइटियों के नाम गिनाए, उन चार पांच सोसाइटियों का जो लैंड ओनर है, ओनर को भी नहीं पता ये बात, ओनर भी नहीं जानता बिल्डर को, ना ओनर कभी मिला है बिल्डर से, उसके बावजूद ये लोग जबरन सर्वे कर रहे हैं। ओनर भी सोसाइटी का साथ दे रहा है, ओनर ने क्या नाम है कलेक्टर में पुलिस स्टेशन में लेटर डिस्पैच किया है कि भाई अगर मेरी सोसाइटी में सर्वे किया जाएगा तो मैं पुलिस प्रशासन पे और कलेक्टर पे स्ट्रेस पासेस का केस डालूंगा जबरन सर्वे का। और खुलेआम ये धांधली हो रही, आप देख रहे हैं, आप यहाँ लोगों का जो हुजूम उमड़ा है, आक्रोश है, उनका एक फोटो देख लीजिए, उनका भी एक कवर कर लीजिए, देखिए किस तरह लोग यहाँ पर रोड पे उतरे हुए हैं। और ये उसी तरह का काम हो रहा है जिस तरह के ओमकार बिल्डर ने किया है। ओमकार बिल्डर के पास आज 750 लोग बेघर है, ये इसी तरह सर्वे करके काम किया गया है। और एसआरए और कलेक्टर के अधिकारियों ने इनको बिना किसी सहमति के, बिना सोसाइटी, बिना लैंड ओनर की सहमति के एलओआई दिया है। ये सारे के सारे लोग भ्रष्ट है, बीजेपी की सरकार इनको पूरी की पूरी मदद कर